आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् महाभारत के अनुसार उतथ्य ऋषि की दो कहानियां, जहां पहली कहानी में उतथ्य ऋषि के महामूर्ख से महाविद्वान बनने की कथा का वर्णन है, वहीं दूसरी कहानी में उतथ्य ऋषि की पत्नी और चंद्रमा की पुत्री का वरुण देवता द्वारा बलात्कार किए जाने की कथा का वर्णन है। अपनी भावनाओं को आहत करने से पहले आप इन दोनों कहानियों को पूरा अवश्य सुनिएगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचिएगा। तो आइए अपनी पहली कथा को प्रारंभ करते हैं। कौशल देश में देवदत्त नाम का एक विख्यात ब्राह्मण रहता था। देवदत्त का विवाह रोहिणी नामक एक सुंदर कन्या से संपन्न हुआ, किंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी देवदत्त के कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वह सदैव दुखी रहता था। एक बार देवदत्त के हृदय में पुत्रेष्टि यज्ञ करने का विचार उत्पन्न हुआ। देवदत्त ने शीघ्र ही तमसा नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। यज्ञ संपन्न कराने के लिए उन्होंने सूत्र, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पैल, गोभिल इन सभी ऋषियों को आमंत्रित किया। निश्चित समय पर यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ वेदी पर ऋषि गोभिल सामवेद का गान करते हुए रत्नाकर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तभी मंत्रोच्चारण करते हुए उनका स्वर भंग हो गया। इससे देवदत्त कुपित हो गोभिल ऋषि से बोले, हे मुनिवर, आप बड़े ज्ञानी हैं। मैं यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूं और आपने इस समय इस यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। आप जैसे ज्ञानी ऋषि को यह शोभा नहीं देता। देवदत्त के कटु वचन सुनकर गोभिल ऋषि क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट, प्रत्येक प्राणी के शरीर में श्वास आते जाते रहते हैं। स्वर का भंग होना इसी का परिणाम है। इसमें किसी का भी दोष नहीं होता। तुमने बिना सोचे विचारे कटु वचनों का प्रयोग किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे घर उत्पन्न होने वाला पुत्र महामूर्ख और हट्ठी होगा। गोभिल के शाप से देवदत्त भयभीत हो गए और उनसे क्षमा मांगते हुए बोले, ऋषिवर, मेरे अपराध को क्षमा करें। पुत्र के अभाव ने मुझे अत्यंत विचलित कर दिया था। मैं अज्ञानी यह भूल गया था कि यज्ञ के लिए आप ऋषिगण साक्षात देव स्वरूप होते हैं। ऋषिवर, मुझ पर दया करें। मूर्ख प्राणी का इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं होता। जीवन में उसे ज्ञान, मान सम्मान, धन और वैभव कदापि प्राप्त नहीं होते। हे मुनिवर, आप तो महान तपस्वी हैं। अज्ञानियों का उद्धार करना ही आपका कार्य है। कृपा करके आप मेरा भी इस शाप से उद्धार करें। यह कहकर देवदत्त गोभिल ऋषि के चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से उनके चरण धोने लगे। देवदत्त की निर्मल प्रार्थना से गोभिल ऋषि का क्रोध शांत हो गया और वे बोले, वत्स, मुख से निकले वचन कभी वापस नहीं आते। जो शाप मैं दे चुका हूं वह तो सिद्ध होगा ही, किंतु मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा पुत्र महामूर्ख होकर फिर विद्वान हो जाएगा। ऋषि से यह वर प्राप्त कर देवदत्त अति प्रसन्न हुए। तत्पश्चात पूर्ण यज्ञ किया गया। सभी उपस्थित ऋषि मुनि विधिपूर्वक विदा हुए। कथा में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारा चैनल जीवंत रहेगा और सनातन के लिए किया गया हमारा प्रयास बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। उचित समय के पश्चात यज्ञफल के रूप में रोहिणी ने रोहिणी नक्षत्र में ही सुंदर बालक को जन्म दिया। मनोरथ सिद्ध होने पर देवदत्त ने निर्धनों को दान अन्न और वस्त्रों का दान किया। उस बालक का नाम रखा गया उतथ्य। कुछ बड़ा होने पर उतथ्य की शिक्षा आरंभ हुई। गुरु उतथ्य को पढ़ाने लगे, किंतु उतथ्य एक भी शब्द का उच्चारण न कर सका। इस प्रकार 12 वर्ष व्यतीत हो गए थे। वह उतथ्य पहले के समान ही मूर्ख रहा। उसे एक भी मंत्र याद नहीं हुआ। आसपास के सभी गांवों में यह प्रचलित हो गया कि देवदत्त जैसे महान विद्वान का पुत्र महामूर्ख है। सभी लोग उसका उपहास करने लगे। इस बात से उतथ्य का मन अपनी आसपास के लोगों से उचट गया और वह अपने स्थान पर रहना नहीं चाहता था। इसीलिए अपने पिता का घर त्याग कर वह वन में चला गया। वन में उतथ्य ने गंगा के तट के निकट पर नकुटी बनाई और कंदमूल खाकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। उसने यह नियम बना लिया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। सत्य का पालन करते हुए उतथ्य ने 14 वर्ष बिताए।
इन 14 वर्षों में उसने न तो कोई उपासना की, न ही कोई मंत्र जपा अथवा न ही कोई विद्या प्राप्त की, किंतु यह बात चारों ओर फैल गई कि मुनि उतथ्य सत्य व्रत का पालन करते हैं, उनके मुख से निकली वाणी मिथ्या नहीं होती। इस प्रकार उसका नाम उतथ्य के स्थान पर सत्य व्रत पड़ गया। एक बार एक शिकारी शिकार खेलने के उद्देश्य से वन में आया। वन में घूमते हुए उसकी दृष्टि एक सुअर पर पड़ी। उसने शीघ्र ही बाण चलाकर उस सुअर को घायल कर दिया। बाण लगने पर वह वाराह भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए उतथ्य की कुटिया के निकट झाड़ी में छिप गया। घायल वाराह को देखकर वह उतथ्य का हृदय दया से भर गया। इसके फलस्वरूप उसके मुख से शब्द का उच्चारण हो गया। उतथ्य ने यह सारस्वत बीज मंत्र न तो कभी सुना था और न ही कभी इसका उच्चारण किया था। यह बीज मंत्र अनजाने ही उसके मुख से निकल गया था। इस बीज मंत्र के उच्चारण मात्र से ही भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो गईं और उन्होंने उतथ्य को दुर्लभ विद्या प्रदान किया, क्योंकि उतथ्य पिछले 14 वर्षों से सत्य की साधना ही तो कर रहा था। माता जगदम्बा की कृपा से मूर्ख उतथ्य थे, पल भर में ही सभी विद्याओं का झांता हो गया। इसी समय वाराह का पीछा करते हुए वह शिकारी वहां आ पहुंचा। शिकारी ने देखा कि सामने उतथ्य आसन पर बैठा हुआ है। शिकारी ने सिर झुकाकर उस उतथ्य को प्रणाम किया और उससे वाराह के बारे में पूछा। उतथ्य इस बात को लेकर धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने सोचा कि यदि सत्य बोलते हैं तो शिकारी वाराह को मार डालेगा और यदि असत्य बोलते हैं तो उनका 14 वर्षों का सत्य व्रत भंग हो जाएगा। अंत में ज्ञानवान हुए उतथ्य ने कहा कि हे व्याध, मैंने जिन आंखों से उस वाराह को देखा है वे बोल नहीं सकते हैं और जो जिह्वा बोल सकती है उसने तो वाराह को देखा ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दूं? वह उतथ्य की इस बात को सुनकर शिकारी निराश हो वहां से लौट गया। भगवती जगदम्बा की कृपा दृष्टि पड़ने से उतथ्य वाल्मीकि के समान एक महान कवि और विद्वान हो गए। उनकी विद्वता की आभा चारों ओर फैलने लगी। यज्ञों और अन्य धार्मिक उत्सवों में उनका यश गाया जाने लगा। उनकी कीर्ति सुनकर उनके पिता वन में गए और उन्हें मनाकर घर वापस ले आए। इस प्रकार माता भगवती की कृपा से मूर्ख उतथ्य ज्ञान, मान सम्मान और वैभव की प्राप्ति करते हुए ज्ञानवान हो गए। अब उतथ्य ऋषि की दूसरी कथा पर आते हैं, जो महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 154 में वर्णित है। इस कथा के उतथ्य ऋषि पहली वाली कथा के उतथ्य ऋषि से अलग मालूम पड़ते हैं, क्योंकि यह उतथ्य ऋषि महर्षि अंगिरस के पुत्र हैं और बृहस्पति के बड़े भाई हैं, जबकि पहली कथा के उतथ्य ऋषि देवदत्त के पुत्र थे और उनके पुत्रेष्टि यज्ञ में स्वयं बृहस्पति ने भाग लिया था। तो आइए महर्षि अंगिरस के बड़े पुत्र और बृहस्पति के बड़े भाई उतथ्य ऋषि की इस कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें उनकी पत्नी का वरुण देवता ने बलात् अपहरण कर लिया था। वायु देवता ने कार्तवीर्य अर्जुन को कथा सुनाते हुए कहा कि हे कार्तिक वीर्य अर्जुन, प्राचीन काल में अंगिरस के एक पुत्र हुए जिनका नाम उतथ्य था। उतथ्य बड़े ही ज्ञानवान थे और साथ ही उनके शरीर की कांति भी बड़ी सुंदर थी। वे मनोहर शरीर वाले थे। उनके ज्ञान और मनोहर शरीर को देखकर चंद्रमा ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह उनसे करने का निश्चय किया। चंद्रमा महर्षि अत्रि के पुत्र थे, इसलिए चंद्रमा ने अपने पिता से कहा कि आप उतथ्य से मेरी पुत्री के लिए बात कीजिए। तब महर्षि अत्रि ने उतथ्य को बुलाकर अपनी पौत्री भद्रा के लिए उनसे उनका हाथ मांगा। उतथ्य महर्षि अत्रि की बड़ी इज्जत किया करते थे, साथ ही वे चंद्रमा की पुत्री के रूप सौंदर्य पर मोहित भी हो गए थे, इसलिए उन्होंने भद्रा के साथ अपने विवाह के लिए हां कर दिया। कालांतर में समय आने पर विधिपूर्वक भद्रा का और उतथ्य का पाणिग्रहण संस्कार हुआ, लेकिन वरुण देवता पहले से ही भद्रा को चाहते थे, इसलिए विवाह के उपरांत जब भद्रा अपने पिता के घर में रह रही थी तो वरुण देवता ने भद्रा का अपहरण कर लिया और उसे अपने लोक में ले जा करके अपने महल में उस स्थान पर रखा जहां हजारों बिजलियां चमक रही थीं। उन्होंने भद्रा के साथ बलपूर्वक संभोग भी किया। इन सब कृत्यों के होने के समय नारद जी उतथ्य के पास आए और उन्होंने उतथ्य ऋषि से कहा कि आपकी पत्नी का वरुण देवता द्वारा अपहरण कर लिया गया है, आप कुछ कीजिए। तब उतथ्य ऋषि ने नारद जी को वरुण देवता के पास अपना दूत बनाकर भेजा और उनसे कहलवाया कि आप जाकर वरुण से कहना कि वरुण, तुम मेरे कहने से मेरी पत्नी को छोड़ दो, तुमने क्यों उसका अपहरण किया है।
तुम लोगों के लिए लोकपाल बनाए गए हो, लोक विनाशक नहीं। सोम ने अपनी कन्या मुझे दी है, वह मेरी भार्या है। फिर आज तुमने उसका अपहरण कैसे किया? सोम चंद्रमा जी का ही एक नाम है। नारद जी ने उत्तथ्य के कथनानुसार वरुण देवता से यह कह दिया कि आप उत्तथ्य की स्त्री को छोड़ दीजिए, आपने क्यों उसका अपहरण किया है? लेकिन नारद जी के मुख से यह बात सुनकर वरुण ने उल्टा उनसे कहा कि यह मेरी अत्यंत प्यारी पत्नी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। वरुण के इस प्रकार उत्तर देने पर नारद जी उत्तथ्य मुनि के पास लौट गए और खिन्न होकर बोले, हे महामुनि, वरुण ने मेरा गला पकड़कर ढकेल दिया है, वे आपकी पत्नी को नहीं दे रहे हैं, अब आपको जो कुछ करना हो वह कीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर ऋषि अंगिरा के पुत्र उत्तथ्य क्रोध से जल उठे। वे महान तपस्वी तो थे ही, अपने तेज से सारे जल को स्तंभित करके पीने लगे। जब सारा जल पी लिया गया तो बहुत से ब्राह्मणों ने और देवताओं ने वरुण से कहा कि वह भद्रा को उत्तथ्य ऋषि को लौटा दें, लेकिन वरुण इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब उत्तथ्य ऋषि सारे देवताओं पर ही कुपित हो उठे। उन्हें लग रहा था कि सारे देवता भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं, इसलिए उन्होंने सरस्वती नदी से कहा कि तुम देवताओं द्वारा पोषित इस सिंध प्रदेश छोड़कर अदृश्य हो जाओ, यहां पर यह प्रदेश उजड़ जाएगा। उनके शाप से सरस्वती नदी वहीं पर लुप्त हो गई और वह पूरा प्रदेश रेगिस्तान बनने लगा। जब देवताओं द्वारा पोषित वह प्रदेश सूखने लगा, तब देवताओं ने वरुण के पास जाकर कहा कि अब तो आप उत्तथ्य ऋषि की भार्या को उन्हें लौटा ही दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। तब हार कर वरुण देवता ने भद्रा को ऋषि उत्तथ्य को सौंप दिया और उसके बाद उत्तथ्य ने पीछे हुए सारे जल को वापस समुद्र में डाल दिया। जब अपनी पत्नी को वरुण देवता से उत्तथ्य ऋषि ने वापस पा लिया तो उन्होंने वरुण से कहा कि जलेश्वर, तुम्हारे चिल्लाने पर भी मैंने तपोबल से अपनी इस पत्नी को प्राप्त कर लिया। ऐसा कहकर वे भद्रा को साथ ले अपने घर को लौट गए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।